हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नुहिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने यात्रा में शामिल भीड़ का ब्यौरा नहीं दिया, इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। चौटाला ने कहा कि दंगा फैलाने वाले किसी भी पार्टी या किसी भी समुदाय से क्यों न हो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी रात के बाद से हालात सामान्य है, केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल आ चुका है, हमारे पास काफी इनपुट आए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के आयोजकों ने भीड़ जुटने को लेकर सही इनपुट स्थानीय प्रशासन को नहीं दिया था। डिप्टी सीएम ने राज्य में शांति की अपील की है। इस बीच नू के एसीपी ने बताया कि अभी तक कुल 29 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसमें से केवल 22 नू में हुई है, जबकि 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के खिलाफ बजरंग दल देश भर में प्रदर्शन करेगा। हरियाणा के मानसर में विश्व हिंदू परिषद में महापंचायत का आयोजन किया गया है। विहिप ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने दावा किया कि सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं के खिलाफ पूर्व नियोजित तरीके से हमले किए गए और हरियाणा में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसके लिए उकसाया था।